मेरे प्यारे मसीह भाई एवं बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीवित परमेश्वर में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आज के इस भाग भरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास अशांति है। बहुत सारे लोग अपने काम करते करते थक जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास लड़ाई झगड़ा है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी अशांति है। वे अपनी शांति को पाने के लिए दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, सांसारिक चीज़ों, सांसारिक वस्तुएं पर मन लगाते हैं कि उसे शांति मिल जाए। लेकिन सांसारिक चीज़ों में कहीं भी कोई भी शांति नहीं है, और जो शांति है वो है जीवित परमेश्वर यहोवा के हाथों में। वही हमें शांति प्रदान करता है, वही हमारे शांतिदाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम प्रभु के वचनों को लेकर आए हैं। आप इन वचनों से प्रार्थना करें और प्रभु से शांति मांगें, क्योंकि शांति देने वाला पृथ्वी पर और कोई नहीं है, सिर्फ पिता परमेश्वर ही यहोवा प्रभु ही हमें शांति दे सकता है। तो आइए हम उनके चरणों में जाएंगे और इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर से शांति मांगेंगे, क्योंकि सच्चा शांतिदाता वही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला वचन देखते हैं। पहला वचन है नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 2 में है, वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगे। वचन क्या कहता है कि प्रभु ही हमें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगे। इसलिए इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही हमें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगे, हमें शांति प्रदान कर। आप इन वचनों से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु का दूसरा वचन है यशायाह अध्याय 66 पद संख्या 13, जिसमें लिखा है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को शांति देती है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वे हमें मांगने पर शांति क्यों नहीं देंगे, वे अपने पुत्र का ख्याल क्यों नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग प्रभु से शांति मांगें, वे हमें ज़रूर शांति देंगे। आप लोग इन वचनों से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमें शांति दीजिए, हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हम पे ध्यान दीजिए, हमें शांति दीजिए। हम इस दुनिया की लड़ाई झगड़े, समस्याओं, टेंशन से परेशान हो चुके हैं, प्रभु हमें शांति दीजिए। आप इस तरह से प्रार्थना करिए, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपको शांति देगा। प्रभु का तीसरा वचन है मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु क्या कहते हैं कि अगर कोई भी काम से आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आप प्रभु के पास जाएं, वे आपको शांति और विश्राम देंगे, क्योंकि प्रभु ही हमारा शांतिदाता है, वही हमें सच्ची और अच्छी शांति देता है। प्रभु का चौथा वचन है भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 76, जिसमें है, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। भजन का दाऊद क्या बोल रहा है प्रभु से कि तू मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया था अपने वचन के द्वारा। प्रभु का दास कौन सा है? जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके राहों पे चलते हैं, वही प्रभु का दास है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग इन वचनों से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। पांचवा वचन है भजन संहिता अध्याय 23 पद संख्या 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलूं, तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में प्रभु के ये थे कुछ वचन। आप लोग इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, प्रभु आपको शांति प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम प्रभु के वचन के साथ आते रहते हैं। सबों को जय मसीह की।